भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी पंकज तिवारी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रभावी नियंत्रण हेतु सघन चेकिंग के दौरान भिंड जिले में प्रवेश करते हुए इटावा भिंड रोड स्थित दीनपुरा आरटीओ चेक पोस्ट पर 1,80,00,000 की कीमत की शराब जब्त की है। आबकारी उप निरीक्षक अजीत यादव द्वारा वैध परिवहन परमिट के अभाव पर विदेशी मदिरा की 578 कार्टून जिसमें 2,601 लीटर विदेशी मदिरा जिन्हें के अवैध परिवहन पाए जाने पर विधिवत जब्त की गई। मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया, प्रकरण की विवेचना जारी है। यह विदेशी मदिरा वाहन क्रमांक UP 22AT 9765 टाटा आइसर द्वारा रेडिको खेतान डिस्टलरीज रामपुरा उत्तर प्रदेश से जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन जिस पर फॉर सेल टू डिफेंस पर्सनल ओनली अंकित पाया गया। चेकिंग के दौरान वाहन चालक द्वारा संबंधित विदेशी शराब का वैध परमिट प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी मोहम्मद इस्लाम पुत्र मोहिद्दीन उम्र 53 साल निवासी जिला रामपुर उत्तर प्रदेश एवं हरवंश सिंह पुत्र नदराम उम्र 36 साल निवासी जिला रामपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया एवं मदिरा एवं वाहन को जब्त किया गया। जब्त विदेशी शराब एवं जब्त वाहन की कीमत करीब 1,80,00,000 रुपए अंकलित है। विधानसभा निर्वाचन में विदेशी शराब की अवैध परिवहन के रोकथाम हेतु आबकारी विभाग भिंड की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उक्त कार्रवाई में आबकारी विभाग हरेंद्र सिंह मावाई, नरेंद्र कुमार प्रजापति आबकारी उप निरीक्षक एवं ग्वालियर लोकेश तिवारी आबकारी उप निरीक्षक तथा आबकारी आरक्षक धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, राहुल सिंह भदौरिया, उपेंद्र सिंह चौहान, शिरोमणि सिंह, प्रदीप व्यास, प्रमोद बोहरे, श्याम वीर सिंह आरटीओ निरीक्षक, कुलदीप भार्गव एवं परिवहन स्टाफ उपस्थित रहा। जिला आबकारी अधिकारी जिला भिंड द्वारा अपने कार्यपालिका बल के साथ लगातार गश्त दबिश की जाकर निर्वाचन के आदर्श आचार संहिता का सम्यक पालन कराया जा रहा है। आबकारी विभाग को सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने यहाँ जो इटावा तरफ के नाके पर उन्होंने जांच की तो एक कैंटर में 578 पेटी शराब जिनका मूल्य 1,80,00,000 होता है वो जब्त की गई है। आगे विवेचना की जा रही है कि ये कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त कागज मौजूद नहीं है और इस पर यदि ये पाई जाती है कि यह अवैध शराब चुनाव के लिए लाई गई है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें लगातार हम आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए लगातार हमारा आबकारी स्टाफ गश्त और रोड चेकिंग कर रहा है। तो सुबह हमारे आबकारी उपक्षक व्रत क्रमांक 2 के प्रभारी अजीत यादव को दौराने गश्त जानकारी मिली कि दीनपुरा जो आरटीओ चेक पोस्ट है वहाँ पे वाहन पे कुछ शराब है उसकी जानकारी मिली उनको। वैसे तो उन्होंने वो गाड़ी को चेक किया तो उसमें 578 पेटियाँ विदेशी शराब जिनकी कीमत और वाहन मिला के 1,80,00,000 रुपए है हाई रेंज की जो फॉर डिफेंस के लिए है वो बरामद पाई गई। तो जांच उपरांत तो कोई भी जो वाहन चालक और जो भी था स्टाफ उस गाड़ी का आइसर गाड़ी है इसका नंबर लिखा हुआ सामने है तो इसका कोई वैध जो परमिट होता है हमारे डिपार्टमेंट के जांच अनुसार वैध परमिट नहीं पाया गया और मतलब विदेशी मदिरा का अवैध परिवहन पाया गया जो कि प्रथम दृष्टया चुनाव के मद्देनजर देखते हुए क्योंकि गाड़ी भिंड जिले में आ रही थी तो उसको जांच के लिए और सीजर करके कब्जा आबकारी लेकर आबकारी कंट्रोल रूम भिंड लाया गया जहां पे हमारा संभागीय रंगदस्ता ग्वालियर बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी मिली उनके द्वारा भी स्टाफ जाँच के लिए भेजा गया और उसके संबंध में फिर हम लोग के द्वारा जब्ती कर इसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 34-2 आबकारी एक्ट के तहत और प्रकरण की विवेचना अजीत यादव। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।